नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग क्लास में। और आज इस क्लास में हम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर दैट इज एलवीडीटी एंड रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर दैट इज आरवीडीटी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस ई लेक्चर में हम फॉलोइंग कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ एलवीडीटी, इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर, वर्किंग ऑफ एलवीडीटी and output characteristic of LVDT, advantage and disadvantages, and at the last we will see rotary variable differential transformer. Linear variable differential transducer एक inductive transducer है और ये काफी widely use किया जाता है to translate the linear displacement or the linear motion into an electrical signal. So, इसके अंदर एक बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है वो दोनों आइडेंटिकल होती है, यानी उनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसको प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों साइड में आइडेंटिकली प्लेस किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल एक फॉर्मर होता है जिसपे इन वाइंडिंग्स को वाउंड किया जाता है। सो इस सिलेंड्रिकल जो फॉर्मर है उसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे दो जो है सेकेंडरी वाइंडिंग्स है जो कि आइडेंटिकली इसके दोनों साइड में यहाँ पे इक्वली प्लेस्ड है, और ईच में जो है एक कोर हमने यहाँ पे प्लेस किया है। इस कोर के आर्म को हमने ऐसे डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस कोर का डिस्प्लेसमेंट हो सके। सो यहाँ पे इसका जो प्रैक्टिकल जो व्यू है या इसका जो थ्री डायमेंशनल व्यू वो कुछ इस तरह से होता है कि जो ब्लू कलर में हम देख सकते हैं, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर पे वाउंड है। इसी तरह से दोनों इसके प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों और दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग फर्स्ट, सेकेंडरी वाइंडिंग टू, और इनके बीच में जो है एक कोर हमने यहाँ पे प्लेस किया है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में या राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकता है। नाउ हम देखते हैं कि जो कोर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेसिकली जो कोर होता है वो ट्रांसफॉर्मर में रिलेक्टेंट लो रिलेक्टेंट मैग्नेटिक पाथ को अवेलेबल कराता है ताकि जो प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है उसको जो है लो रिलेक्टेंट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर सके। सो इन प्रैक्टिस जो है कोर हाई कोर बनाने के लिए हाई परमिएबल निकेल आयरन का मटेरियल हम यूज करते हैं जिसकी वजह से जो हार्मोनिक्स होते हैं यानी जो एसी सिग्नल होता है उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ कुछ मल्टीपल फ्रिक्वेंसी भी जनरेट होती है जो कि अनडिजायर्ड होती है, जो हम नहीं चाहते हैं। कोर को हाई परमेबल मेटल से बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी वजह से हाई परमेबिलिटी की वजह से जो नल वोल्टेज होता है, नल वोल्टेज से तात्पर्य है कि जब कोर अपनी मीन पोजीशन पे होता है, सपोज दिस इज द मीन पोजीशन जो कि इक्वली जस्ट मिड पॉइंट पे है प्राइमरी साइड में, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कुछ वोल्टेज होता है बिकॉज ऑफ सम एरर्स, तो ये जो है हाई परमीबल जो मेटेरियल यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमको लो नल वोल्टेज जो है ऑब्टेन होता है, और बिकॉज ऑफ दैट हम एक हाई सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो बना सकते हैं अगर हम हाई परमीबल मेटेरियल यूज करते हैं। अगेन जो कोर होता है उसको हम स्लॉटेड कर देते हैं, उसको कुछ लॉन्गिट्यूडनली उसको डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में ताकि इडी करंट जो है वो उसको कम किया जा सकता है। इडी करंट जो है वो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर कोई किसी कंडक्टर को एक वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर कुछ लूप्स में करंट डेवलप होती है, और इस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसके इफेक्ट को वो कम कर सके। सो इन इडी करंट की वजह से जो लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसमें कमी आती है। सो ये बेसिकली जो है इडी करंट लॉसेस कहलाते हैं ताकि
इन करंट लॉसेस को कम करने के लिए इस कोर को हम स्लॉटेड करते हैं. अगेन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई जो हम प्राइमरी वाइंडिंग के साथ अटैच करते हैं उसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है. Now we see the working of linear variable differential transformer. So LVDT में एक transformer होता है जिसमें एक primary winding होती है और दो secondary windings होती हैं. जो primary winding होती है उसको हम AC source के साथ connect करते हैं और इसमें दो secondary windings होती है और इन दोनों के बीच में एक movable core यहाँ पे place की जाती है जिसकी सहायता से हम displacement को measure करेंगे. So यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दोनों secondary windings है उनको हमने सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट किया है ताकि जब आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे ऑप्टेन होगा सो ये ES1 माइनस ES2 ऑप्टेन होगा. इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ऑप्टेन होगा. सो ES1 जो है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस वोल्टेज को शो कर रहा है और जो ES2 है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को इंड्यूस वोल्टेज को शो कर रहा है. सो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज है जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स है इन दोनों के इंड्यूस वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल होगा. सो जब कोर की पोजीशन अपने नॉर्मल पोजीशन पे होगी या नल पोजीशन पे होगी यहाँ पे सो जब एसी सोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक वेरिंग करंट की वजह से यहाँ पे एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोर की सहायता से इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंकेज होगा. जब कोर की पोजीशन मिड होगी तो सेम फ्लक्स जो है वो इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में लिंकेज होगा. इसकी वजह से दोनों के बीच में जो इंड्यूस वोल्टेज होंगे उनकी वैल्यू भी इक्वल होगी. ES1 इज इक्वल टू ES2. बट जब इन दोनों को हम डिफरेंस लेंगे आउटपुट वोल्टेज लेंगे तो दोनों के बीच में आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो ऑब्टेन होगा. नाउ वी सी कि एक एलवीडीटी की सहायता से हम कैसे एक डिस्प्लेसमेंट को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे दो डायग्राम यहाँ पे शो किए गए हैं. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है अगर डिस्प्लेसमेंट जो कोर है वो लेफ्ट साइड में होता है अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होती है तो इसकी वजह से जो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लिंकेज फ्लक्स है उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस सेकेंडरी वाइंडिंग. सो इसकी वजह से इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है ES1 जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू ऑफ ES2. सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले जीरो आ रहा था बट अब जो है वो डिफरेंस जीरो नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई है और जितना जो कोर जो है लेफ्ट साइड में ज़्यादा मूव होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स जो है वो इस वाली सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा लिंकेज होगा और इसकी वजह से ज़्यादा जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज यहाँ पे होगा. सो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो डिफरेंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी. और इन सेकेंड केस अगर जो कोर है वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव करती है तो हम देख सकते हैं कि कोर की पोजीशन इस सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होने से जो लिंकेज फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा इस वाली सेकेंडरी वाइंडिंग में और इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा इस सेकेंडरी वाइंडिंग में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ ES2. सो ये जो जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी और वो नेगेटिव में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोर का लेफ्ट टू राइट यहाँ पे होता है. सो हम देख सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनली जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो उस मोमेंट के प्रोपोर्शनली होगा यानी जितना मोमेंट हम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो माइनस साइन जो है इंडिकेट वो ये कर रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट जो पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंपैरेटिवली इस आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज के प्रोपोर्शनली है. सो विद द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज हम जो है इस डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो एलवीडीटी इज अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर जिसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत इजीली और एफिशिएंटली जो है वो कैलकुलेट हो जाता है.
Now we see the output characteristic of LVDT. So यहाँ पे देख सकते हैं कि according to display displacement output differential voltage generate होता है जो कि एक linear graph obtain हो रहा है for a limited range के लिए. So अगर जो core है उसका displacement अगर left side में होता है जैसे कि हमने previously diagram में देखा था कि अगर core जो है वो left side में move करती है तो जो induced voltage ES1 है वो ज़्यादा होगा. इसका मतलब जो difference है वो positive होगा, यानी जो output generated voltage है वो in phase होगा. और अगर जो core है वो right side में movement करती है तो difference जो होगा वो negative में आता है. इसका मतलब जो output voltage है वो 180 degree out of phase होगा with the input supply. So इस case में हम देख सकते हैं कि जो graph है वो कुछ limited range के लिए ही linear है, उसके बाद जो graph है वो curve होता जाता है, यानी non-linear characteristic इसमें आ जाती है. और सेकंड जो पॉइंट इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो मीन पोजीशन जो कोर की है उसके बावजूद यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे रेजिडुअल वोल्टेज यहाँ पे रहता है. उसके बहुत सारे कुछ कारण होते हैं जिनमें से कुछ कारण यहाँ पे शो किए गए हैं कि जो इनपुट सप्लाई आ रही है उसमें कुछ हार्मोनिक होने की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है. दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट मैग्नेटिक फील्ड और जो इन जो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस की वजह से जो है ऐसा रेजिडुअल्स यहाँ पे रह सकता है वोल्टेज, जहाँ पे मीन पोजीशन होने के बावजूद जो डिफरेंस वोल्टेज है वो परफेक्टली जीरो नहीं होता है. इसके अलावा जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कि हम जो कोर है वो हाई परमिएबल मेटल की यूज़ करते हैं ताकि जो प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो जो फ्लक्स लिंकेज है वो प्रॉपरली हो. लेकिन कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो लिंकेज नहीं होता है और उसको हम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और उसकी वजह से भी कुछ यहाँ पे रेजिडुअल वोल्टेज हो सकता है. तो इन कारणों की वजह से यहाँ पे ये कुछ रेजिडुअल वोल्टेज हो जाता है. सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलवीडीटी, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लिमिटेड रेंज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 mm का जो रेंज होता है उस रेंज के लिए जो है आप आउटपुट जो करेक्टरिस्टिक वो परफेक्टली लीनियर होती है. उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो कर्व है वो मोल्ड होने लगता है और नॉन लीनियरिटीज ऑब्टेन होने लगती है. अब जो है एलवीडीटी के कुछ एडवांटेजेस की स्टडी करते हैं. इनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी हाई होती है, जैसे टिपिकली 1.25 to 250 nm तक ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं. उसके अलावा ये फ्रिक्शनलेस डिवाइस है बिकॉज जो मूवेबल कोर होती है और जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस डिवाइस और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ऑब्टेन हो जाता है. और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि फ्रिक्शन लेंस होने की वजह से जो कोर है वो बहुत सेंसिटिव मूवमेंट को भी मेजर कर सकती है. इसके अलावा जो इसका आउटपुट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिससे कई बार हमको इसके आउटपुट को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है और इट गिव्स अ वेरी हाई सेंसिटिविटी ऑफ 40 volt per mm ऑब्टेन की जा सकती है. और ये काफ़ी रगनेस होता है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये काफ़ी जो वाइब्रेशन है ये शॉक है उनको वो टॉलरेट कर सकता है. इसके अलावा जो एलवीडीटी होता है वो लो हिस्टेसिस होता है, ताकि ये इसकी वजह से इसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है. उसके बाद जो पावर कंजप्शन होता है एलवीडीटी का वो काफ़ी कम होता है, टिपिकली इट रिक्वायर्स लेस देन 1 watt. सो इट इज़ अ वेरी पावर एफिशिएंट डिवाइस. एडवांटेजेस के साथ साथ एलवीडीटीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे रिलेटिवली लार्ज डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू जनरेट अप्रिशिएबल डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज. इसके अलावा जो एलवीडीटीज होते हैं वो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से के प्रति सेंसिटिव होते हैं, हालांकि हम प्रॉपर शील्डिंग से इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं. मैनी टाइम्स जो परफॉर्मेंस होती है ट्रांसड्यूसर की वो वाइब्रेशन की वजह से, यानी अगर इंडस्ट्री कुछ इंडस्ट्री में अप्लाई करें वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से इन ट्रांसड्यूसर की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो सकती है.
और एलवीडीटी जो है वो इसी सिग्नल पे काम करता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन. सो जो रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट है वो मस्ट बी एसी ऑपरेट सिग्नल होना चाहिए, या अगर हम डीसी आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए जो है डी मॉड्यूलेटर या कन्वर्टर सर्किट जो है वो हमको यूज़ करना रहेगा. इसके अलावा टेम्परेचर की वजह से भी जो परफॉर्मेंस होती है ट्रांसड्यूसर की वो भी इफ़ेक्ट होती है, बिकॉज अगर हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं तो कॉपर वायर जो है वो टेम्परेचर के साथ तो उसकी जो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है, जिससे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर है वो चेंज होता है. और इन स्टीड ऑफ कॉपर वायर अगर हम मैग्नीन वायर यूज़ करते हैं जो कि कम इफेक्ट होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, बट उसकी जो सेंसिटिविटी हो जाएगी जो ट्रांसड्यूसर की वो कंपैरेटिवली 5 times डिक्रीज हो जाएगी. सो ये एक प्रॉब्लम होती है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इस ट्रांसड्यूसर में. नाउ वी डिस्कस द रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, दैट इज आरवीडीटी. आरवीडीटी एक एलवीडीटी का एक वेरिएशन है जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंस करने में या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने में काम में लिया जा सकता है. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, आरवीडीटी इज सिमिलर टू एलवीडीटी एक्सेप्ट जो कोर है वो स्पेशली शेप या कैम शेप की हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रोटेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकें. आउटपुट में एलवीडीटी की तरह दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है. इन दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स के आउटपुट पे डिफरेंशियल वोल्टेज दिया जाता है. और सिमिलर टू एलवीडीटी इन आरवीडीटी जब कोर अपनी नल पोजीशन पे होती है यानी नॉर्मल पोजीशन पे होती है, तब दोनों जो सेकेंडरी कॉइल्स होती है उनमें इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेजेस इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. जब कोर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो एक इंक्रीजिंग वोल्टेज डेवलप होता है इन फेज सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, और जब कोर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो जो अपोजिट फेज वाइंडिंग है सेकेंडरी उसमें इंक्रीजिंग वोल्टेज डेवलप होता है. तो इस तरह से जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम आरवीडीटी की सहायता से मेजर कर सकते हैं. इस ई लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो मेजर पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ए के साहनी बुक से लिया गया है. कुछ इंफॉर्मेशन विकिपीडिया और कुछ डायग्राम इंटरनेट से लिया गया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. आई एम श्योर आपको एलवीडीटी एंड आरवीडीटी के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा, और फिर भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे इस ईमेल की सहायता से अपने डाउट पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.